अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं इरफान यूनुस आज एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम द्रास का एक खूबसूरत इलाका दंदल वैली में आए हैं। इस दंदल वैली के दो पार्ट से लोअर दंदल वैली एंड अपर दंदल वैली। तो यहाँ पे बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट्स पाए जाते हैं, जैसे कॉमन पल्बेरिया, जैसे डेंडिलीस वगैरह, जहाँ के यहाँ के लोग उसको प्रंगुस पल्बेरिया कहते हैं। यहाँ के कुछ एरियन लोग जो होते हैं वो कहते हैं इसको प्लांट्स कहते हैं, उनका साइंटिफिकली नेम वो प्लांट्स कहते हैं। तो नाज़रीन, आज आपको हम मेडिसिनल प्लांट्स दिखाएंगे, बहुत सारे वैरायटीज़ के प्लांट्स दिखाएंगे और प्लेस भी दिखाएंगे दंदल वैली। तो चलिए नाज़रीन देखते हैं। तो ये प्रंगुस पल्बेरिया आपको दिखा सकते हैं, ये है, इसको कहते हैं प्रंगुस पल्बेरिया। ये बहुत सही साइंटिफिक नाम है इसका, आप नेट गूगल में भी सर्च कर सकते हो इसके बारे में, प्रंगुस पल्बेरिया के बारे में। ये आपको दिखाएंगे, ये बहुत ही बड़ा होता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं पल्बेरिया के बहुत सारे आप बागात मौजूद हैं यहाँ पे। तो उधर आगे तक दिखाएंगे, ये दंदल लोअर दंदल वैली है। तो लोअर दंदल वैली में अभी हम आपको बहुत सारे वेराइटीज़ के और भी प्लांट्स दिखाएंगे। ये पल्बेरिया आपने अच्छी तरह देखा, ये देखते हैं, ये जब भी काटते हैं यहाँ। नाज़रीन, आप देख सकते हैं इन्हीं पहाड़ों में मशरूम पाया जाता है। जिस तरह इंसान की बॉडी सेल से बनती है, सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो इसी तरह माइसीलियम से जो है मशरूम बनता है। ये माइसीलियम नाम है सेल्स का, जिससे ये क्या कहते हैं मशरूम पाया जाता है, मशरूम बनता है। तो नाज़रीन, आपको दिखाएंगे मशरूम इन्हीं पहाड़ों में दिखता है। चलिए आगे आपको दंदल वैली दिखाते हैं, लोअर दंदल वैली, अपर दंदल वैली। चलिए